कैसे पकड़ता है मेरा हाथ मत पकड़ लेना, पास में ही तो है। भूटानीज लोगों का एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, पैसा लेते हैं लेकिन वैल्यू फॉर मनी होता है। यहाँ से नज़र आता है ताक्तसंग, है ना शानदार चीज़। वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन, व्हाट आइडिया सर जी। जहाँ बैठ करके तभी संबंध जी के शिष्य ने मेडिटेशन किया था, आप ये सीधे के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर ओके बॉबी जी मौजूद है। स्वागत है आप सबका फिर से। ये है पार्ट टू हाइक टू टाइगर्स नेस्ट। घोड़ों के आगे जाने के बाद हमने फिर से अपनी ट्रैक को स्टार्ट किया और ये हम चल रहे हैं। पहला जो पड़ाव हमें यहाँ पर मिला करीब 200 मीटर चलने के बाद, वो है ये खूबसूरत सी जगह जो आपको सामने दिखेगी कुछ देर के बाद। यहाँ बहता हुआ पानी है और ये जो स्ट्रक्चर सामने आप देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर के अंदर लगे हैं प्रे व्हील। ये व्हील्स को ये कॉन्सेप्ट है कि ये लगातार घूमने चाहिए। आप इसको हाथ से घुमा सकते हैं, हवा से घुमा सकते हैं और यहाँ एक यूनिक चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ इनको हाइड्रोलिक पावर से घुमाया गया है। ये जो बहता हुआ पानी है, इस बिल्डिंग के अंदर प्रे व्हील है और ये बहता पानी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की तरह जिस तरह से आप पंचक्की चलाते हैं हाइड्रोलिक पावर यूज़ करके इन्हें घुमाया जाता है। और ये इस तरह का एक इकलौता स्ट्रक्चर नहीं, इसके पीछे दो और तीन, टोटल तीन स्ट्रक्चर देखेंगे आपको, है ना शानदार कॉन्सेप्ट। ये है व्यू थोड़ा और आगे चलने के बाद और ये है देखिए किस तरह का हाइक है। आप स्ट्रेट क्लाइंब करते हैं, आज पता चला मेरे को कि हाटू पीक पे जो इतने सारे पेड़ हैं उनको ब्राउन ओक कहते हैं। हाटू पीक एक खूबसूरत ट्रैक है नारकंडा के पास। कभी आप शिमला के आगे जाए तो हाटू पीक को ज़रूर विजिट करिएगा। शुरू के 500 मीटर में ही ये ट्रैक या हाइक आपका अच्छा खासा एंड्योरेंस टेस्ट ले लेगी। देखिए किस तरह का इंक्लाइन, मज़ा आ गया भाई साहब। 500 मीटर चल के आया और अभी तक तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे याद है इंद्राहार पास का ट्रैक किलिंग तिरुंड के बाद और चूड़धार लास्ट का 1 किलोमीटर। फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये आपका अच्छा खासा टेस्ट लेगा। देखिए लोग किस तरह से क्लाइम कर रहे हैं। दो रास्ते निकल रहे हैं यहाँ से, देखो एक हॉर्स के लिए है और एक हम लोगों के लिए शॉर्टकट की तरह यूज हो रहा है। इट्स सो गुड। यहाँ तक का मेरा मानना ये है कि ये ट्रैक बहुत आसान है और शायद इस तरह का रास्ता जो बना दिया है उसकी वजह से आसान हो गया। ये नेचुरल ट्रैक नहीं है, हिमाचल के जो ट्रैक हमने किए हैं, चाहे वो खीर गंगा ट्रैक हो, मदाना हो, हाटू पीक हो, इवन हाटू पीक का एक्चुअल ट्रैक रोड जैसा है उसको हटा दीजिए, चूड़धार का ट्रैक, इंद्राहार पास, इवन त्रिउंड, सब ट्रैक जो है इससे तो मुश्किल थे, ये अभी तक आसान है। आई होप कि जब मैं टॉप पर पहुंचूं
तो वहाँ एक किलोमीटर या हाफ किलोमीटर का कम से कम स्टेयर जैसा और क्लाइंब होना चाहिए, तब कुछ फील आएगा ट्राई करने का। मतलब ये हाइकिंग से ज़्यादा कुछ है नहीं। सो जो लोग प्लान कर रहे हैं आने का, आइए और करिए, आसानी से किया जा सकता है। सांस ज़रूर फूलती है क्योंकि आप क्लाइंब कर रहे हो, लेकिन बॉडी एक रहेगा कई दिनों तक, ऐसा नहीं लगता। हम करीब करीब 2 किलोमीटर पूरा करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों को थकान अब हावी होने लगी है, कदम छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन नज़ारे उनका अभी भी वैसी खूबसूरती बरकरार है। अब हम पहुंचने वाले हैं 2 किलोमीटर पूरे करके इस जगह पर। ये वो जगह है जहां हॉर्स आपको ड्रॉप करेंगे, इसके आगे हॉर्स के लिए रास्ता नहीं है। यहां पर एक बड़ा प्रे व्हील बनाया गया है, साथ में छोटे प्रे व्हील है। व्यू एकदम क्लियर है, ये देखिए वो टॉप पर आपको दिख रहा है ये टाइगर्स नेस्ट। यहां से पहाड़ क्रॉस करना है, दूसरी पहाड़ी और फिर राइट टर्न लेके वहां, बस स्टॉप की तरह है। अब आगे वहां ये भी एक स्टॉप की तरह है। प्रे व्हील घुमाइए, कुछ ब्लेसिंग ले लीजिए। ये बड़ा वाला प्रे व्हील है। अरे भागो भागो जान से भाई, जल्दी क्या है, मुझ में एनर्जी बाकी है दोस्त। विंड के साथ ये प्रे व्हील घूमते हैं जो वेस्ट वाटर बॉटल से बनाए गए हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत है। वेस्ट बॉटल्स हैं शानदार चीज। वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन व्हाट आइडिया है जी। 2 किलोमीटर के बाद ये है कैफेटेरिया। सुनने में आया कि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं। हाँ, जाके एक बार मेन्यू चेक करते हैं। पूरा ऑप्शन अरेंजमेंट यहीं किया गया है ऐसा लगता है। See that girl was singing that song? Which movie? Chum chum chum. That's a viewpoint, no? कहते हैं कि यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू आता है टैक्सांग यानी टाइगर्स नेस्ट के मॉनेस्ट्री का। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो फोटो क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से बिहार पे हुए टाइगर्स नेस्ट को कॉफ़ी और टी सिप कर रहे हैं। ये है वो जगह जहाँ लोग खड़े होकर ढेर सारे पिक्चर क्लिक करते हैं। और थोड़ा आगे आप जब बढ़ेंगे राइट हैंड टर्न करके तो वहाँ पर बनाए गए हैं वॉशरूम्स, एम्पल है, क्राउड को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। 2-4 लेडीज 2-4 जेंट्स। ये मैं आया वापस और सामने देख के मेरे को बड़ा मजा आया देख करके। जब माजा की बोटल्स का क्या बढ़िया यूज किया है ना, शानदार सामने क्लियर व्यू। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसका रास्ता, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, उसमें क्लियरिटी नहीं थी। वो जो टॉप पे दो बिल्डिंग आपको दिख रही है, पहले बिल्डिंग पे आप पहले पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नीचे उतर के वो जो दूसरी बिल्डिंग सेंटर में नजर आ रही है आप वहाँ जाएंगे और फिर डाउन स्टार्ट होगा। नीचे डाउन होने के बाद फिर वापस आप क्लाइम करेंगे तो पहुँचेंगे टाइगर्स नेस्ट, और वो बिल्डिंग वहाँ से ऐसे जाके आना होगा। अभी क्लाइम है पहले और फिर लास्ट में आप वहाँ पहुँचेंगे पहाड़ क्रॉस करके। इन जापानीज लड़की को देखिए, फोटो के लिए पूरी दुनिया क्रेजी है, इतने एफर्ट्स। भूटान में मैं जहाँ जहाँ भी गया मैंने डॉग्स को बहुत बुरी कंडीशन में देखा और फिर मैं डॉग्स को फीड करता था सब जगह। ये मेरा तरीका था उनके लिए कुछ करने का। कैसे पकड़ता है
मेरा हाथ पकड़ लिया, पास में तो है। मैं बिस्किट लेके आया था, मैं क्या जो रास्ते में जो भी डॉग मिलेगा ना सबको खिलाता हूँ। आकाश मुझे काफी थका हुआ लगा यहाँ पर, तो मैं थोड़ा जल्दी में उठा यहाँ से, पर जाते जाते मैंने कुछ बिस्किट इस वुडन फेंस पे रख दिए, सोचा थोड़ा सुस्ती दूर हो जाएगी। अभी जिस कैफेटेरिया में हम थे वहाँ 100 रुपए की चाय है और अनलिमिटेड बिस्किट है, तो मतलब एक प्रॉपर स्नैक्स 100 रुपए पर पर्सन। भूटानीज लोगों का एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, पैसा लेते हैं लेकिन वैल्यू फॉर मनी होता है। रेस्टोरेंट में भी आप जाओ, जितना खाना आपको मिलता है ना 250 रुपये में, एक्चुअल में दो लोग उसको खा सकते हैं। I'm Subhash. Where are you from? I'm from Durgapur and I'm out with this man. Durgapur is where? It's near Kolkata. Ah. I study there. Okay. I'm from Chandigarh. Oh. And he's from Mumbai. Mumbai. ट्रैकिंग करने का, पहाड़ों पे चढ़ने का फायदा हो रहा है, सांस जरूर फूल रही है मेरी भी, क्योंकि बॉडी वर्क तो कर रही है लेकिन थकान नहीं है। शानदार एक्सपीरियंस। वो देखिए, वो है तक्तसंग। अगर मुझे सीधा जाना हुआ तो 100 मीटर्स, और अगर घूम के पहाड़ से ऐसे जाऊंगा तो 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस अभी है। तक्तसंग, आई एम कमिंग। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 15 पार्ट 3 है हाइक टू टाइगर्स नेस्ट का, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग।